नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का, शुरुआत करते हैं सागर जिले से। कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले वैक्सीन वाहक लंबे समय बाद भी राशि का भुगतान नहीं होने से आर्थिक रूप से परेशान है। बीएमओ से बार बार निवेदन करने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने से नाराज वैक्सीन वाहकों ने मंगलवार को सागर कलेक्टर को आवेदन देकर राशि के भुगतान की मांग की है। सागर के रैली ब्लॉक के 13 कोरोना वैक्सीन वाहक 1 अगस्त 2021 से लगातार मुख्यालय से वैक्सीन लेकर स्वयं की गाड़ियों से टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन पहुंचाने का कार्य करते आ रहे हैं। शासन के द्वारा वैक्सीन वाहकों को सत्र के हिसाब से राशि निर्धारित की गई थी एवं निर्धारित राशि के मान से भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अगस्त 2021 से अभी तक इनको किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण वैक्सीन वाहक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वैक्सीन वाहकों ने बताया कि इनके द्वारा कई बार ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से राशि का भुगतान करने के लिए आवेदन निवेदन किया गया, लेकिन बीएमओ द्वारा बजट का आवंटन नहीं होने की बात कही गई है। और आज दिलाएं कितनी तारीख में लेके जाते हैं 110 रुपए का पेट्रोल होता है, तो हम लोग इतने बीक परिवार से पहुंच गए थे, हम लोग का खुद का पेट्रोल का पैसा नहीं मिल रहा है। कोई वरिष्ठ अधिकारियों से बात की आपने? हमारे जो महोदय डीएमओ सागर से बात की थी, वो बोल रहे थे कि कोई ठंड नहीं आया है, सीएम साहब से जाकर मिल लो या कहाँ करना, तो डीएमओ साहब से कलेक्टर साहब के यहाँ चले जाओ। हम लोगों ने ठीक आवेदन बना के कलेक्टर महोदय पास भी किया है। सीएमएचओ साहब क्या बोले? सीएमएचओ साहब से अभी जाके नहीं मिले, डीएमओ साहब ने बोला है कि आप जहाँ जाओगे देख लो कर लो। अब चेक करना भाई, अब दोबारा होगा सर। अब हाँ सर, अब ना मैं सही पे